हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इंग्लिश बोलते वक्त आप अटक क्यों जाते हैं? क्योंकि कई बार आप बोलना तो चाहते हैं लेकिन सही वर्ड आपके दिमाग में आता नहीं है। जैसे मान लीजिए, हम सब जानते हैं कि खाना को कहते हैं ईट, लेकिन क्या आप जानते हैं खिलाना को क्या कहते हैं, खाना परोसना को क्या कहते हैं, चबाना को क्या कहते हैं, सेंकना, गिराना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ललचाना यानी किसी को ललचाना इसे क्या कहते हैं, बिछाना जैसे ये बिछा दो इसे क्या कहते हैं, लेटाना यानी बच्चे को लेटा दो, निचोड़ना आप नींबू को निचोड़ते हैं इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चिपकाना, जकड़ना जब आप जो टाइट से किसी को पकड़ते हो तो उसे कहते हैं जकड़ना, फिर है धोना, साफ करना, ठहरना, फेंकना, हाँफना जैसे बहुत दूर जाने के बाद, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद बहुत हाँफ जाते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, पीसना, सुनना, कुचलना, ये सारे वर्ब्स हैं जिनकी इंग्लिश मैं आपको विद एग्जांपल्स बताऊंगी आगे। तो गाइस, मैं आज की इस वीडियो में इस तरह के कई वर्ब्स आपके लिए ली हैं। ये जो सारी वर्ब्स मैं आपको बताऊंगी, फिर बताऊंगी उनकी इंग्लिश, फिर किस तरह से उसे प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, गलती नहीं होनी चाहिए, फिर बताऊंगी उनकी तीन फॉर्म्स। मैं आपको हर वर्ब्स को विद एग्जांपल्स समझाऊंगी हिंदी में, एसएमएस में, उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी नहीं समझते। उसके बाद उसका इंग्लिश बताऊंगी और फिर उसकी भी प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी। तो चलिए सीखते हैं। पहला है वर्ब खाना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ईट, ई ए टी, ईट। हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, ईट। और इसका तीन फॉर्म है, ईट, एट, ईटन। जंक फूड मत खाओ, हिंदी में इसका सेंटेंस। फिर इसका एसएमएस सेंटेंस देखिए, जंक फूड मत खाओ। उसके बाद इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, डोंट ईट जंक फूड, डोंट ईट जंक फूड। हो गया ना क्लियर? फिर देखिए अगला वर्ब क्या है हमारा, पीना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिंक। इसका तीन फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। हिंदी में इसका सेंटेंस, हम खारा पानी नहीं पी सकते, हम खारा पानी नहीं पी सकते। इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वी कांट ड्रिंक सलाइन वाटर, वी कांट ड्रिंक सलाइन वाटर। नेक्स्ट वर्ब जो कि है खिलाना, अब खिलाना को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फीड, फीड। ओके, इनके तीन फॉर्म्स, फीड, फेड, फेड, F-E-D, फेड। यहाँ गलती मत कीजिएगा, फेड का और एक स्पेलिंग होता है और उसका मीनिंग भी अलग होता है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, जो कि है F-A-D-E, फेड, जिसका मीनिंग होता है धुंधला। तो यहाँ पे फीड मतलब खिलाना। अपने बच्चों को जंक फूड मत खिलाओ, ये तो हो गई हमारी हिंदी में सेंटेंस। अब देखिए इंग्लिश में
इसका ट्रांसलेशन, डोंट फीड जंक फूड टू योर चिल्ड्रेन, डोंट फीड जंक फूड टू योर चिल्ड्रेन। फिर अगला वर्ब है परोसना, परोसना, इसका इंग्लिश देख लेते हैं, सर्व, सर्व करना। इनके तीन फॉर्म्स हैं, सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड। इससे सेंटेंस देखिए हिंदी में, खाना लगा दो, यानी सर्व द फूड, सर्व द फूड। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले वर्ब पे, जो कि है चबाना। चबाना का इंग्लिश देखिए, च्यू, च्यू। उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे और कैसे प्रोनाउंस करेंगे, च्यू या च्यू, च्यू दोनों ही सही है, च्यू और च्यू। इनके तीन फॉर्म्स है, च्यू, च्यूड, च्यूड। खाने को अच्छे से चबाकर खाओ, खाने को अच्छे से चबाकर खाओ, यानी च्यू द फूड वेल, च्यू द फूड वेल। फिर अगला देखिए निगलना, यानी स्वैलो, स्वैलो द फूड। हम बोलते हैं ना कि खाना अच्छे से निगल लो। देखिए इनका फॉर्म्स, स्वालो, स्वालोड, स्वालोड, तीन फॉर्म्स हो गए। फिर इनसे सेंटेंसेस देखिए हिंदी में, इसको क्या कैसे बोलेंगे, वो दवाई एक बार में निगल गया, वो दवाई एक बार में निगल गया। ही स्वालोड द मेडिसिन इन वन गो, ही स्वालोड द मेडिसिन इन वन गो। मूव करते हैं अगले वर्ब्स के साथ, तेल में भूनना यानी फ्राई। कोई भी खाना जब हम तेल में भूनते हैं तब हम बोलते हैं इसका, इसका क्या मीनिंग होता है, फ्राई। इनके तीन फॉर्म्स देखिए, फ्राई, फ्राइट, फ्राइड। सेंटेंसेस, प्याज को अच्छे से भून लो, प्याज को अच्छे से भून लो। फ्राई द ऑनियन वेल, फ्राई द ऑनियन वेल। अगला आग या गर्मी में भूनना, आग या गर्मी में भूनना, इसका इंग्लिश होता है रोस्ट, रोस्ट, आर ओ एस टी, रोस्ट। इनके तीन फॉर्म्स, रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड। भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है, भुना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है, यानी रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस, रोस्टेड चिकन इज डिलीशियस। आप हिंदी को, जो हिंदी में इसका स्पेलिंग है, इसको भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तभी आप सही से प्रोनाउंस कर पाएंगे, है ना। चलिए फिर अगला वर्ब देखते हैं, सेकना यानी बेक, बेक करना। इनके तीन फॉर्म्स, बेक, बेक्ड, बेक्ड। रोटी को हल्का सा और सेक दो, रोटी को हल्का सा और सेक दो, यानी बेक द चपाटी अ लिटिल मोर, बेक द चपाटी अ लिटिल मोर। हो गया, तो अगला देखते हैं वर्ब क्या है हमारा, पकाना यानी कुक। इनके फॉर्म्स देखते हैं, कुक, कुक्ड, कुक, कुक, कुक्ड, कुक्ड। सेंटेंसेस देखिए, मैं आज खाना बना रहा हूँ, मैं आज खाना बना रहा हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम कुकिंग द फूड टूडे, आई एम कुकिंग द फूड टूडे। फिर अगला क्या है, ललचाना या लुभाना,
यानी अल्योर, किसी को ललचाना, इसका क्या मतलब होता है अल्योर। इनके तीन फॉर्म्स हैं अल्योर, अल्योर्ड, अल्योर्ड। फिर सेंटेंसेस देखते हैं इससे। आइसक्रीम बच्चे को लुभा रही है, कोई सामने से आइसक्रीम वाला जा रहा है किसी बच्चे के सामने से, तो जैसे मम्मी पापा या कोई भी भाई बहन सारे खड़े हैं और वहाँ पे मम्मी बोल रही है ये आइसक्रीम बच्चे को लुभा रही है, ये आइसक्रीम बच्चे को लुभा रही है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आइसक्रीम इज अल्योरिंग द किड, आइसक्रीम इज अल्योरिंग द किड। आइसक्रीम तो बच्चों को बहुत पसंद होती है ना। तो चलिए मूव करते हैं अगले वर्ब्स के साथ। फूंक मारना यानी ब्लो, किसी में भी जब आप फूंक मारते हो तो क्या बोलते हो? ब्लो। इनके फॉर्म्स ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। सेंटेंसेस है फूंक मारकर आग बुझा दो, फूंक मारकर आग बुझा दो। एक्सटिंग्विश द फायर बाय ब्लोइंग इट, एक्सटिंग्विश द फायर बाय ब्लोइंग इट। चलिए फिर देखते हैं अगला वर्ब जो कि है चिपकाना यानी स्टिक। कुछ भी आप चिपकाते हो कहीं पे तब आप क्या बोलोगे? स्टिक। सेंटेंसेस देखेंगे, पहले हम देखते हैं इनके फॉर्म्स। स्टिक, स्टक, स्टक, स्टिक, स्टक, स्टक। इस पेपर को दीवार पर चिपका दो, इस पेपर को दीवार पर चिपका दो। बहुत आसान है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्टिक दिस पेपर ऑन द वॉल, स्टिक दिस पेपर ऑन द वॉल। फिर है घिसना या रगड़ना यानी रब। रब के तीन फॉर्म्स रब, रब्ड, रब्ड। सेंटेंसेस देखेंगे। कपड़ों को ज्यादा ब्रश से मत रगड़ो, कपड़ों को ज्यादा ब्रश से मत रगड़ो। डोंट रब द क्लोथ्स टू मच विद द ब्रश, अगर आप ब्रश से ज्यादा रगड़ोगे कपड़े को तो कपड़ा फट सकता है, खराब हो सकता है। तो हम तब क्या बोलते हैं कि डोंट रब द क्लोथ्स टू मच विद द ब्रश, है ना। तो इसे कहते हैं रब यानी घिसना या रगड़ना। चलिए फिर अगला चलते हैं वर्ब पे जो कि है घसीटना यानी ड्रैग। इनके फॉर्म्स है ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड, ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। हिंदी में सेंटेंस है टेबल को मत घसीटो, कि कोई बच्चा अगर जोर जोर से घसीटता है टेबल को, चेयर को, इधर उधर इधर उधर, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि टेबल को मत घसीटो। और इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे? डोंट ड्रैग द टेबल, डोंट ड्रैग द टेबल। फिर अगला है गिरना यानी फॉल, फॉल। हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन आप देखिए फॉल। तीन फॉर्म्स फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। चाकू फर्श पर गिर गया, चाकू फर्श पर गिर गया यानी द नाइफ फेल ऑन द फ्लोर, द नाइफ फेल ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ब? गिराना, ड्रॉप, ड्रॉप, है ना, ड्रॉप। इनके फॉर्म्स है ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। सेंटेंसेस देखते हैं।
उसने चाकू फर्श पर गिरा दिया। उसने चाकू फर्श पर गिरा दिया। He dropped the knife on the floor. कोई अगर कोई चीज, चाकू हो या कोई भी चीज हो, फर्श पर गिरा देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो लड़का या उसने चाकू फर्श पर गिरा दिया। He dropped the knife on the floor. या कोई भी सामान, ओके? फिर देखते हैं अगला वर्ड। होप आप सबको ये बहुत आसान लग रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और ध्यान दीजिएगा इनके हिंदी वर्ड्स को भी कि इससे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है? तभी आप इंग्लिश भी अच्छे से बोल पाओगे। देखिए अगला वर्ब है डुबोना, यानी डिप। डिप फॉर्म्स इनके हैं डिप, डिप्ड, डिप्ड। डीप के तीन फॉर्म्स हैं, क्या क्या? डिप, डिप्ड, डिप्ड। सेंटेंस देखिए, पानी में अपनी उंगली मत डुबाओ। पानी में अपनी उंगली मत डुबाओ। डोंट डीप योर फिंगर इन द वाटर। कोई उंगली पानी में ऐसे डुबोता है, या पानी हो या फिर चाय में, ऐसे गर्म चाय में कोई बच्चा बदमाशी करके डुबोने की कोशिश करता है, तब हम उनको क्या मना, क्या बोलते हैं, क्या बोल के मना करते हैं कि मत करो? कि डोंट डिप योर फिंगर इन द वाटर, इट इज हॉट। और है ना, डोंट डिप योर फिंगर इन द वाटर, पानी में अपनी उंगली मत डुबो, या चाय में अपनी उंगली मत डुबो, ऐसे। फिर चलिए अगले वर्ब को देखते हैं। डुबकी लगाना, यानी डाइव। डाइव इनके तीन फॉर्म्स, डाइव, डोव, डाइव्ड। तो डाइव के कितने फॉर्म्स हम देख रहे हैं? फॉर्म्स क्या क्या है? डाइव, डोव, डाइव्ड। हम नदी में रोज डुबकी लगाते हैं। हम नदी में रोज डुबकी लगाते हैं। वी डाइव इन द रिवर एवरी डे। वी डाइव इन द रिवर एवरी डे। मूव करते हैं अगले वर्ब्स के साथ। डूबना, डूबना। पहला हमारा, इससे पहले वाला क्या था? डुबाना। अब हम क्या देखेंगे? डूबना। ड्रोन, ड्रोन। डूबना यानी ड्रोन। तीन फॉर्म्स क्या क्या होते हैं ड्रोन के? ड्रोन, 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 ड्रोन। सेंटेंसेस है, वो नदी में डूब गया। वो नदी में डूब गया। ही ड्रोन्ड इन द रिवर। ही ड्रोन्ड इन द रिवर। फिर क्या है? खोदना, यानी डिग। खोदने का इंग्लिश क्या होता है? डिग, डिग, डिग। का तीन फॉर्म्स देखिए, डिग, डग, डग, डिग, डग, डग। हिंदी में इसका सेंटेंस, यहां पर एक गड्ढा खोदो। जब कोई, जब मिट्टी खोदता है, खोदता है कोई, तब हम उसको क्या बोलते हैं? यहां पर एक गड्ढा खोदो। और इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे? डिग अ पिट हियर, डिग अ पिट हियर। यहां पर एक गड्ढा खोदो। नेक्स्ट है, हाँ, क्या है? उधार देना, यानी लेंड। किसी को उधार देने का मतलब होता है लेंड। तीन फॉर्म्स लेंड के क्या क्या हैं? लेंड, लेंट, लेंट, लेंड, लेंट, लेंट। मैंने कमल को 5,000 उधार दिए। मैंने कमल को 5,000 रुपए उधार दिए, यानी I have lent rupees 5,000 to कमल। कमल को मैंने 5,000 रुपए उधार दिए। यानी किसी को आप जब उधार देते हो तब आप क्या बोलते हो? I have lent rupees
जो भी है 5000, 10000, 1000 जो भी आप उधार देते हो तो उसे बोलोगे आई हैव लेंट रुपीज 5000 टू कमल या जो भी नाम है उसका। फिर अगला वर्ब है उधार लेना यानी बोरोड। अब किसी से आप उधार ले रहे हो तब आप बोलोगे बोरोड यानी बोरो बोरोड बोरोड बोरो बोरोड बोरोड। सेंटेंस है कमल ने मुझसे 50000 उधार लिए हैं। कमल ने मुझसे 50000 रुपए उधार लिए हैं। कमल हैज बोरोड रुपीज 50000 फ्रॉम मी। कमल हैज बोरोड रुपीज 50000 फ्रॉम मी या 5000 जो भी अमाउंट उधार लिए हैं तब आप क्या बोलोगे कमल हैज बोरोड रुपीज 5000 फ्रॉम मी। चलिए अगला वर्ब देखते हैं बात करना यानी स्पीक या टॉक। बात करना यानी स्पीक या टॉक। तीन फॉर्म्स है स्पीक स्पोक स्पोकन। स्पीक स्पोक स्पोकन और टॉक का तीन फॉर्म देखिए टॉक टॉक टॉक्ड टॉक टॉक्ड टॉक्ड। दोनों का स्पीक और टॉक इन दोनों का ही मतलब होता है बात करना। तो चलिए इनके सेंटेंसेस देखते हैं। एक बार उससे बात कर लेना एक बार उससे बात कर लेना यानी स्पीक विथ हिम वॉन्स। स्पीक विथ हिम वॉन्स या आप बोल सकते हो टॉक टू हिम वॉन्स। टॉक टू हिम वॉन्स दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो स्पीक या टॉक। नेक्स्ट है जगना या जगाना यानी वेकअप। वेकअप का तीन फॉर्म वेकअप वोकअप वोकेन अप। वेकअप वोकअप वोकेन अप। सेंटेंसेस देखते हैं मैं 5 बजे जागा। मैं 5 बजे जागा। आई वोक अप एट 5 o'clock। आई वोक अप एट 5 o'clock। नेक्स्ट है जगना या जगाना वेकअप। इनका तीन फॉर्म वेकअप वोकअप वोकेन अप। तो इससे क्या सेंटेंस बनेगा अपने भाई को जगा दो। अपने भाई को जगा दो इंग्लिश में क्या बोलेंगे वेक अप योर ब्रदर। वेक अप योर ब्रदर। अगला क्या है बनना बनना बिकम बिकम। बनना यानी बिकम। फॉर्म्स देखिए बिकम का बिकम बिकेम फिर है बिकॉम। बिकम बिकम बिकेम बिकम। सेंटेंसेस देखते हैं मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कोई कुछ बनना चाहता है तो तब हम किस वर्ड का यूज करते हैं बिकम बिकम। व्हाट ही वांट टू बिकम तुम क्या बनना चाहते हो। जैसे हम पूछते हैं ना कि बॉस किसी को कि तुम क्या बनना चाहते हो इन फ्यूचर में है ना तुम्हारा प्लानिंग क्या है व्हाट यू वांट टू बिकम। ये इसी का मतलब है बनना कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ कुछ भी। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। बिकम और इनके फॉर्म्स है बिकम बिकेम बिकम। हो गया फिर चलते हैं अगले वर्ब्स के साथ। बनाना बनाना मेक। किसी चीज को बनाते हैं ना तो उसको बोलते हैं मेक यानी बनाना। इनके तीन फॉर्म्स है मेक मेड मेड। मेक मेड मेड। ये किसने बनाया हम पूछते हैं ना ये खाना किसने बनाया या ये डिश किसने बनाया ऐसे तो उसके उसको बोलेंगे मेक। हु मेड इट हु मेड इट। हम पूछते हैं ना कि किसने बनाया है ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हु मेड दिस
चलिए, होप आप सबको समझ में आ रहा है सारे वर्ब्स की मीनिंग विद देयर एग्जाम्पल्स। काटना, काटना यानी कट या चॉप, दोनों में से कोई एक बोलोगे आप। कट का फॉर्म्स देखिए, कट कट कट, इनकी कोई चेंजेस नहीं होती है, कट कट कट। और चॉप की तीन फॉर्म, चॉप चॉप्ड चॉप्ड, चॉप चॉप्ड चॉप्ड। इससे जो सेंटेंस है, मम्मी प्याज काट रही है, मम्मी प्याज काट रही है। मॉम इज चॉपिंग ऑनियंस, मॉम इज चॉपिंग ऑनियंस। चलिए मूव करते हैं अगले वर्ब्स पे। दांत से काटना, दांत से काटना यानी बाइट। जब कोई दांत से किसी चीज को काट देता है तब हम बोलते हैं बाइट। बाइट का तीन फॉर्म, बाइट बिट बिटन, बाइट बिट बिटन। बिल्ली ने मुझे अपने दांतों से काट दिया, बिल्ली ने मुझे अपने दांतों से काट दिया यानी द कैट बिट मी विथ इट्स टीथ, द कैट बिट मी विथ इट्स टीथ। फिर अगला है मोड़ना या मुड़ना यानी बेंड। किसी कोई सामान आप ऐसे बेंड कर देते हो, चाहे वो चम्मच हो, हल्का सा कोई चम्मच हो प्लास्टिक वाला, ऐसे मोड़ देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बेंड करना, बेंड कर देना। इनके तीन फॉर्म्स हैं, बेंड बेंट बेंट, बेंड बेंट बेंट। सेंटेंस है, उसने आसानी से लोहे की रॉड को मोड़ दिया, उसने आसानी से लोहे की रॉड को मोड़ दिया। यानी कितना पहलवान कोई होगा जो लोहे की रॉड को मोड़ देता है, तब आप इसको क्या बोलेंगे, ही बेंट द आयरन रॉड इजिली, ही बेंट द आयरन रॉड इजिली। बहुत ही पहलवान कोई आदमी होगा, कोई होगा जो कि आसानी से आयरन रॉड को बेंड कर देता है ना। चलिए अगला देखते हैं, झुकना यानी बो, बो। बो का तीन फॉर्म, बो बोट बोर्ड, बो बोट बोर्ड यानी उसे बाहर निकलने के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा, उसे बाहर निकलने के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा। यानी जब जब छोटा सा छोटी सी कोई जगह होती है, मतलब घुसे हो आप और वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, हाइट बहुत शॉर्ट है, हाँ जैसे गुफा हो जाता है किसी केव में, केव के अंदर आप घुसे हो और फिर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तब बेंट होना पड़ेगा या उसे तब बेंट नहीं बोलते हैं, झुकना यानी बो, झुकना यानी बो, आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। ही विल हैव टू बो अ लिटिल टू गेट आउट, ही विल हैव टू बो अ लिटिल टू गेट आउट। अगर कोई इंसान की बात हो, किसी इंसान की बात हो और वो झुकना चाहता है, तब हम बो का यूज करते हैं। और कोई सामान होता है, कोई वस्तु होता है मतलब, तो तब हम बेंट का यूज करते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखना। चलिए अगला वर्ब देखते हैं, रेंगता, रेंगता यानी बो, क्रिप, क्रिप बोलेंगे, क्रेप क्रेप्ट क्रेप्ट। ये तीन फॉर्म्स हैं, क्रेप क्रेप्ट क्रेप्ट। सेंटेंस है, सांप रेंगता है, सांप रेंगता है। स्नेक क्रिप्स, स्नेक क्रिप्स। चलिए अगले वर्ब्स को देखते हैं, सूजना यानी स्वेल। सूजने का मतलब होता है स्वेल,
कोई घाव होता है, कहीं पे चोट लगता है, कोई फुंसी हो जाता है, जब वो सूज जाता है तो उसका इंग्लिश वर्ड होता हो, इंग्लिश में उसका वर्ड होगा स्वेल। स्वेल का तीन फॉर्म, स्वेल, स्वेल्ड, स्वेलन, स्वेल, स्वेल्ड, स्वेलन। सेंटेंस देखते हैं, कीड़े के काटने से शरीर सूज जाता है, कीड़े के काटने से शरीर सूज जाता है। तो अभी मैंने कहा ना कि कोई घाव हो, कोई चोट हो, या किसी कीड़े के काटने से उस जगह पे आपको सूजन आ गई है, तब आप क्या बोलोगे? द बॉडी स्वेल्स ड्यू टू इंसेक्ट बाइट, द बॉडी स्वेल्स ड्यू टू इंसेक्ट बाइट। चलिए, आज का वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।